इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ तावुन किया है जो रोजमर्रा के आम खाने थे वो नेशनल की रोजाना रेसिपीज ने खास बना दी। टू द ड्यू दीगर इश्तराक में शामिल है ऑलपर्स सुबह बखैर जिंदगी 150 साल की ट्रस्टेड क्वालिटी जो है इसीलिए तो है हमारा साथ भरोसे का। Do the deal. ये आप देख रहे हैं ये जगह इस साइड पे जिस साइड पे कब्रें हैं ये डोनेट की हुई है इन्होंने और ये इस साइड पे जो खाली जगह है ये इन्होंने बहाल की है अपनी कुछ काश्तकारी करने के लिए। ये और ये रास्ता भी छोड़ा हुआ है जनाजा गाह को, वो सामने जनाजा गाह नज़र आ रही है और ये साथ जो है ये देखें कब्रिस्तान बिल्कुल साइड पर है। पीर मोहल्ल के नवाही इलाका में मौजूद हूँ, यहाँ पर इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी जनाब, ये चक नंबर 699/41 तहसील पीरमाल जिला इस जमीन का मैं मालिक हूँ, कब्रिस्तान मौजूद है, कब्रिस्तान जिनकी कब्रें हैं वो भी मौजूद है और वो कोई बंदा नहीं कहता कि हाँ साहब आपने हमारे साथ ज्यादती की। मैंने अपना रकम आबाद किया है, फिर ये मेरे पास 3 दिन ट्रैक्टर चलता रहा, मेरे पास रास्ता इन्होंने मांगा, मैंने कराची में था वहाँ से मैंने बच्चों का रास्ता भी दे दिया, 2-4 कब्रें इधर उधर थी वो भी जगह मैंने छोड़ दी, अपनी जगह मालिक ही छोड़ दिए। लेकिन बात क्या कि ये उमर दीनदार हो गया, इसका बेटा है फैसल दीनदार, एक साफ़ी है उसका नाम है सलीम, ये फेसबुक के साफ़ी है, इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, मुझे कहा जी आप ऐसा करें 4 एकड़ ज़मीन आपकी मुझे काल की इन्होंने कराची 4 एकड़ ज़मीन आप हमें दे दें तो हम यहाँ से बैठे हुए सारा मामला हल कर लेते हैं। मैंने कहा जी मैं उधर ही आ रहा हूँ, मामला हल कर लेते, मैं क्यों दूँ रकबा, मेरी मालकी है। लिहाजा ये बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं, इनका मकसद क्या था, मेरी जो इन्होंने इज्जत नफ्स के ऊपर हमला किया वो सबसे बड़ा ये बात है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पुराने और आग का सोच भी कभी नहीं सकता, उसके लिए मेरी जान भी कुर्बान है, मेरी हर चीज़ कुर्बान है। और वो इन्होंने 2 नंबर करके कुरान पाक की बेहरमती इन्होंने की है, यहाँ से कुरान पाक कहाँ से ले आए ये हम नहीं कह सकते, ले आकर इन्होंने ज़मीन में बिछा कर उसके बाद वीडियो बनाई पानी के अंदर और मट्टी के अंदर, कुरान पाक की बेहरमती इन्होंने की है, हमने नहीं की। और हमें काफिर और बदल क्या क्या कहते रहे जनाब, इसके ऊपर हम इल्तिजा करते हैं बाला हुक्म बाला से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये मौजूद है अल्लाह महल्ला, ये दुनिया मौजूद है, टीवी वाले मौजूद है, ये हकायक सामने है और हमारे साथ ज्यादती हुई, लिहाजा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और 2 इन्होंने FIR हमें सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए कि ये लोग हमें लिख कर दे देंगे रकबा, हम ब्लैकमेल नहीं हुए जनाब, ये बहुत बड़ी चीज़ है, लिहाजा इंसाफ किया जाए हमारे साथ। ये 4 एकड़ आपसे किसने मांगा था, किस बंदे ने? मेरे से उमर दीनदार ने, और उमर दीनदार है, उमर हयात और एक कारी मकसूद है और एक गुज्जर है अशरफ जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर है, एक भट्टू है। आप इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सर ऐसे 100 कार्ड जो साफी बने हुए इनके ऊपर एक्शन लिया जाए और एक शरीफ आदमी को बेइज्जत करना क्या अच्छी बात है? ये सारे लोग मौजूद है, कब्रिस्तान के लोग मौजूद है, लिहाजा मेहरबानी का फरमा कर इसके ऊपर सही एक्शन लिया जाए। DPO को कहा जाए, सबको कहा जाए, हक एक सब ले लो। 2 FIR को आसान सी बात है कि हमारे ऊपर हम कराची में लोग रहने वाले और हमें परेशान कर रहे हैं या हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम वहाँ से आए हैं, यहाँ मसला हल किया, सारे लोग इलाके के लोग इकट्ठे किए और सारे सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि ये आपके साथ ज्यादती हुई। अलबाला के लोग जिनकी कब्रें हैं वो कह रहे हैं जी हमारी कोई कब्र में इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ 2 नंबर ही हमारे साथ की गई। जी भजन, आप क्या कहना चाहते हैं, वाकई इनके साथ ज्यादती हुई है कि इनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, ना ही वहाँ पे कुरान पाक की कोई बेहरमती हुई है यहाँ पे और ना ही कोई कब्र बिस्मार हुई है, ये पूरा इलाका इसके गवाह है, शहद है ये कि इनके साथ जो है बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और इनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। जी ये जी मैं 6D तरखाने का रहती हूँ, नाम मेरा मोहम्मद नदीम है, हमारे बाप की यहाँ पे कब्र है, हम भी यहाँ पे आते जाते रहे, लेकिन ये जो इशू किया गया ये सरासर सर झूठा है इनके साथ, क्योंकि यहाँ ये शरीफ लोग हैं, यहाँ इनका कारोबार कराची में है, इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि हमें ये 4 एकड़ का रकबा दे दें,
इन्होंने ये झूठी FIRें दी हुई हैं कि ताकि ये हमसे डर के हमें ब्लैकमेल करके तो ये हमसे रकबा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये इलाके के मुअज्जिन इलाके में और भी काफ़ी सारे खड़े हुए हैं, हम इनके साथ हैं, हम इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये इनके साथ सरासर ये कुरान पाक की बेहुरमती की जो है ये फैसल ने और ये कारी मकसूद साहब ने की हुई है इनके साथ। हम वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से अपील करते हैं कि इनके साथ जो जुल्म सितम हो रहा है और ये जो लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनके साथ हमें इंसाफ दिलाया जाए और इनके साथ इस चीज़ का एक्शन लिया जाए। जी, जैसा कि आपने सुना है इलाका मकीनों का क्या कहना था। आपके साथ सैयद दस्तगीर हैदर गिलानी, ब्यूरो चीफ 29 न्यूज़, झंग। जब के मैं कराची के अंदर बिजनेस करता हूँ और तकरीबन 78 से 90 से और यहाँ के लोगों ने कुछ ऐसे बनाया, मेरा रकबा यहाँ मालकी है जो कि तकरीबन 12-12.5 एकड़ पर मुश्तमिल है। उसमें से पहले इन्होंने मेरे साथ बात की तो मैंने इनको कहा कि ठीक है, 8 लाख की कवरें मैं आपको देता हूँ, अल्लाह के नाम पर देता हूँ, मैं कोई आपसे कोई मुआवजा नहीं लेता। अब उसके बाद शुक्रिया कि ये 4 एकड़ और लेना चाहते हैं। अब मैं कराची में होता हूँ, मेरे को परेशान किया और यहाँ ट्रैक्टर चलता रहा है, सारे मामला चल रहे। हम बीए के एक मुसलमान हैं जो कि 7 फीसदों से 10 फीसदों से मुसलमान हैं। हमारे लिए अल्लाह के महबूब के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, रब्बुल आलमीन के हुक्म के लिए और अल्लाह के नबी के लिए जान भी कुर्बान, ये वरासत क्या अहमियत रखती है। हमने कब्रिस्तान में कब्र में लेकर क्या जाना, अपना ईमान उसके बगैर तो हम कब। इन्होंने हमें कोशिश की है अपने ईमान से खारिज करने, हमारे ऊपर जो इन्होंने ब्लेम लगाया कि ये इन्होंने कुरान की बेहुरमती की है, ये सरासर उन्होंने बेहुरमती की है, हमारी जानने नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम मुसलमान हैं, हम क्यों करेंगे, हम तो हर चीज़ अपने महबूब के लिए कुर्बान करने तैयार हैं। तो ये सोकार जो साफी हैं, एक का नाम है सलीम बट्टू, एक का नाम है फैसल हयात दीनदार और एक है दीनदार और एक है मकसूद अरंग, एक है अशरफ गुज्जर। ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ग्रुप की सूरत में, जत्थे की सूरत में हमारी ज़मीन भी हथियाना चाहते हैं और हमारे ऊपर ऐसा ब्लेम लगाया कि ताकि इस ब्लेम की आड़ में उनका कोई मकसद है, वो मकसद हल करने के लिए उन्होंने ये सारा प्रतिबंधा किया। ये ब्लेम है, हमारे हुकाम आला से दरख्वास्त है कि इसके बारे में बेहतर हक सोचा जाए, तहकीकात की जाए, इंसाफ किया जाए। हम वज़ीर आज़म इमरान खान से भी अपील करते हैं, DDO से अपील करते हैं और DPO से करते हैं, DIG से करते हैं, IG से करते हैं। जबकि 2 FIRें हैं इस मत में, जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ब्लैक बैलेट करने के लिए दो FIRें काटी, जो कि एक पहली FIR 451/20 ये तहसील पीरपाल और जिला टोबा चेक सिंह और थाना अरुती में काटे और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि ये रात को उन्होंने अंधेरे में असला लेकर आए फलाना, जबकि मैं कराची में मौजूद हूँ, मेरा जहाँ मैं मौजूद भी नहीं और मेरा नाम भी उसमें डाल दिया जी कि इन्होंने हमारे ऊपर असला लेकर आए, फायरिंग किए, वो किए, एक 2 नंबर काम करके साथ में पुराने पाप किया और रात को नवस्पिता शामिल कर दिया, साथ में कब्रों का मिसमार का कर दिया जबकि कब्रें मौजूद हैं, ये अहले बाता बैठा हुआ है। ये सारे तहकीकात हुई है, अब हम चाहते हैं कि बेशक इसकी तहकीकात की जाए, अगर हम इसके मुर्तकिब हैं तो हमें सजा दी जाए और अगर उन्होंने तो 2 नंबर काम किया, ब्लैकमेल किए, तो जनाब उसके साथ ही उनको भी सजा दी जाए। एक शरीफ आदमी के साथ ऐसा करना बहुत बुरी बात है। बाकी ये दूसरी FIR उन्होंने हवेली कुरंगा जिला खालेवाड तहसील कबीरवाला, एक FIR उनको एक दिन का वक्फा देकर दूसरे दिन उन्होंने वो FIR कटा, मुझे ब्लैकमेल करेंगे, थ्रेडिंग करेंगे और मुझे ये थ्रेडिंग की गई कि 4 एकड़ अगर ज़मीन नहीं दोगे हम 10 FIRें और कटाएंगे, आपको इतना तंग करेंगे कि तुम मजबूर हो जाओगे कि ये ज़मीन आपको देनी पड़ेगी। मेरी जनाब मालकी ज़मीन है, मैं क्यों दूँ, क्या यहाँ इंसाफ नहीं चलता। मैं अपने हिसाब पर खड़ा हो गया, मुझे ईमान है कि
मेरा ईमान है कि इंसाफ मुझे मिलेगा, हमें वाला इंसाफ देंगे। मैंने मोहल्ला के लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कॉन्फ्रेंस की, उन तक अपने व्यू पहुँचाया। मैं बिजनेस मैन हूँ, कराची में हूँ, मेरे साथ जाती हूँ हर देर बांधी अगले मोहल्ला की मीडिया की, वो यहाँ तशरीफ ले आए और उन्होंने मेरी मेरे हक में आवाज़ बुलंद की। अल्लाह हाफिज़।